आज हमारे साथ हैं COVID-19 कंट्रोल रूम इंचार्ज डॉक्टर राकेश हीरावत। हमारे सहयोगी नीरज गिरी गोस्वामी ने डॉक्टर हीरावत से विशेष बातचीत की। देखिए, कोरोना को हमारे तमाम साधनों को देखते हुए, सीमित साधनों को देखते हुए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इस महामारी पर नियंत्रण पाया, उसमें सभी का समन्वित रोल रहा। अन्यथा इस महामारी से पार पाना बहुत ही मुश्किल था। स्वयंसेवी संस्थाएं जिस प्रकार से भोजन आदि व्यवस्थाओं में आगे प्रबंधन को लिए हुए हैं, इसी तरह सरकारी मशीनरी भी अपने हिसाब से सक्रिय रूप से काम कर रही है, और हमारा हेल्थ वर्कर, NGOs, ड्राइवर्स हैं, अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी समुचित रूप से लगे हुए हैं। परंतु आम जन के लिए जो ये संदेश है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति अपने आप को बचाने के साथ साथ इस समाज और देश में किस तरह वो सक्रिय रूप से योगदान दे सकता है। तो वो घर बैठे भी दे सकता है, क्योंकि हम तो मानते हैं मानव धर्म में मन से, वचन से और काया से, तीनों तरह से हम इस मानवता की मदद कर सकते हैं। मन से अच्छा सोचें, मन से देश की समृद्धि और स्वास्थ्य के बारे में सोचें, और हमारे समाज, एक एक व्यक्ति के बारे में सोचें। तन से ये सोचें कि एक गरीब भी आपके बाजू में भूखा ना सोए। आज जो मैं रोज के प्रतिदिन 10 रुपये बचाऊँगा, वो किसी न किसी के दर्द में इस मानवता, सशक्ति मानवता के सही मायनों में काम आएगी, चाहे वो उसका स्वास्थ्य में मदद हो, चाहे भोजन में मदद हो, चाहे उसको आप अच्छी तरह से रखने में, हाइजीन मेंटेन करने में, सैनिटरी एक नैपकिन देने में, इत्यादि जो भी आप कर सकें वो करें। और काया से हमेशा सजगता से रूप में देखें कि राजकीय आदेशों की पालना सुनिश्चित करें और करावें। जैसे मास्क पहनना है, ये बहुत आवश्यक है। हमने देखा है इसकी प्रोटेक्शन क्षमता को। हमने ये भी देखा है कि अलग अलग प्रकार के मास्कों का जो विवरण आता था, अब वो सब इतने मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि जब भी आप बाहर निकलें तो मास्क पहन के ही निकलें। जब भी आप किसी जगह जाएं, किसी भी व्यक्ति से आपको अन्य कारणों से, प्रमुख महत्वपूर्ण कारण से मिलना पड़े, बाहर निकलना पड़े, तो तुरंत आप हाथ धोएं। सामान्य साबुन को 1 मिनट तक मलते रहें, वही सबसे श्रेष्ठ है। कोई खास सैनिटाइज़र या कोई महंगे आपको साधनों की ज़रूरत नहीं है।